पिछले कुछ दिनों से म्यूजिक कंपोजर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। हम बात कर रहे हैं अभय देओल की आने वाली फिल्म 1/2 की म्यूजिक प्रमोशन से जुड़ी इस खबर का। अभय देओल हैज नाउ डिसाइडेड दैट ही विल नाउ गो आउट विद ऑल गन्स ब्लेजिंग टू प्रमोट द म्यूजिक ऑफ हिज फिल्म ऑन हिज ओन। जूम को दिए एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। एक ही खुशखबरी ये है कि टी सीरीज ने कम से कम म्यूजिक राइट्स हमें दे दिए हैं वापस, और अब हम एक दूसरी कंपनी को ढूंढ सकते हैं, यू नो। तो अब मैं कुछ तो कर सकता हूँ इसको लेकर। उस वक्त क्या हुआ था कि ना तो वो कुछ कर रहे थे क्योंकि मैंने उनको वो सिग्नेचर्स नहीं दिए थे, और ना मैं भी कुछ कर सकता था क्योंकि राइट्स उनके पास थे। अभी कम से कम राइट्स वापस आ गए, सो आई थैंक टी सीरीज। इवन द बैड थिंग्स लीड टू अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रमोशन इन बॉलीवुड। तो क्या अभय देओल ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, सो दैट द फिल्म व्हिच इज नॉट मच टॉक्ड अबाउट गेट्स द लाइट ऑफ द डे और ऑडियंसेस के बीच ये अपनी एक पहचान बनाए। मैं कंट्रोवर्सियल हूं, नहीं आप मुझे जानते हैं कि ऐसी पब्लिसिटी में यू नो इट्स जस्ट स्टॉप मी, मुझे अच्छी नहीं लगती है। बट मुझे कोई चॉइस नहीं रहा था उस वक्त। 14 जनवरी था, मेरी फिल्म 31 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, और मेरा म्यूज़िक अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में। आज भी नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, हमारे पास कुछ 10-12 दिन हैं। इससे पहले एक अवार्ड्स नाइट सेरेमनी के रेड कार्पेट पर अभय ने मीडिया के सामने अपनी फिल्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में प्रोटेस्ट किया था, एंड वाज स्पॉटेड विद अ ब्लैक आई एज अ सिंबल ऑफ हिज प्रोटेस्ट। तो उनके इस डिसीजन के बारे में उन्हें क्या कहना था? टफ डिसीजन नहीं था, क्योंकि मेरे पास हारने के लिए कुछ रहा था ही नहीं। यू नो, मैं ऑलरेडी हार चुका था, लाइक आई सेड के 14 जनवरी था ऑलरेडी, और 31 को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, और मेरा म्यूजिक है नहीं मार्केट में। तो और क्या था मेरे पास? इससे और नीचे मैं कहाँ जा सकता हूँ? और मैं क्या लूज कर सकता हूँ? सो आई हैड नथिंग टू लूज, सो आई थॉट ठीक है, इफ आई हैव नथिंग टू लूज आई ओनली हैव समथिंग टू गेन, यू नो। तो मैंने इसलिए ले किया। आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप एक बंदे को इतना पुश कर दोगे, एक कोने में डाल दोगे, तो फिर वो करेगा जो उसको करना है। अभय देओल ने जूम से खास बातचीत में ये गुहार की बॉलीवुड की तमाम म्यूजिक कंपनीज, प्रोडक्शन हाउसेज एंड प्रोड्यूसर्स से रॉयल्टी एंड कॉपीराइट्स का इशू, जो अब जरूरत से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है, इसका सलूशन अब ढूंढना जरूरी बनता जा रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा छोटे प्रोड्यूसर्स को हो सकता है जो बड़ी शिद्दत से एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर्स, फिल्म कंपनीज, लेबल्स और म्यूजिशियंस एक टेबल पर बैठकर इसका एक हल ढूंढे, क्योंकि ऐसे नहीं चलता जाएगा कुछ भी। कहीं ना कहीं किसी और की फिल्म में भी ये इशू आ जाएगा और फिर उस फिल्म को अफेक्ट करेगा। मैं लकी हूँ कि कम से कम मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक यू नो एक आवाज़ उठा सका, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर हैं जो छोटे हैं, जो नहीं कर पाएंगे जो मैंने किया। So this controversy now seems to end and brings in good news for Abhay Deol and the entire team of 1/2. Film की release date 31 January है, और देखना ये है कि अब बचे हुए दिनों में अभय देओल की promotional policy कैसे और क्या होने वाली है। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai.